एकदम क्रीमी सुपर डेलीशियस कलरफुल हेल्दी सैंडविच पिला मात्र गोटे मिनिट लगे फिनिश करने आपण को बहुत कम समय लगे या नमस्कार मु रश्मि आपण स्वागत जनाऊँ रश्मिस किचन चैनल रे आज आम सुपर डेलीशियस दही सैंडविच बनवा आशा करूँ भिडियोटा आपको निहाति भल लगे तब चलो स्टार्ट करने ये मुझे गोटे जगार रखी दही हेले एत दही जमा भी आवश्यक ना आम सैंडविच बनवाई यूर आम मात्र तीन चामच नवा तो ये आम सैड रखने गोटे छोट गिना नेपर आम रखा गोटे स्टेनर मान गए चा छणा चा छणा पा छणा आप जेकोसी छणा नहीं पारे एवं आम ताऊपर रखा आम दही तीन चामच आम यही चामचे दही नवा जदि आप छोट कप्रे मापे तो अध कप खंडे दही हम ये आम फ्रेश कर्ड नहींचे मानते फ्रेश दही नहींचे दही को आम एमती स्टेनर उपर रखा जहाद्वारा कि देखो तल को तार दही जो एक्सट्रा पाटा तल को नहीं गिड़ा स्टार्ट हो फ्रेश दही ने जमा भी खटा दही ने एबे आम जगह सहित ए स्टेनर को मान चा छणा को रखा फ्रिज्रे फ्रिज्रे आम पाखापाखि अध घंटे घंटे पर्यटन फ्रिज्रे रखने आ सब बेस्ट रिजल्ट आसो आप जो बड़े आ टाइम भी बहुत सेव हम जदि आप रात बनई फ्रिज्रे रखने आ सका आपलाफिन्रे सैंडविचटा को बनई पारे बहुत इजी हे आईटा बहुत ही हेल्दी ये आम गोटे घंटा हो गला देखूँ पाटा पूरा निगड़गला दही आम पूरा मोटा हो कि तार जो पानीटा पूरा बाहरी जाए दहीटा आम एकदम थिक अच्छी देखो एकदम थिक हो पानीटा को आपड़ यूज करने अटा दलियापी आपको यूज कर नि बहुत ही हेल्दी ये आम मोटा हंकड़ एकदम रेडी हो पूरा दहीटा पा पूरा निगड़ी जावल देखो क्रीमी दही आम रेडी आ टेस्ट एकदम मायोनीज्र मायोनीज सॉस रो टेस्ट आसो बहुत ही क्रीमी आसो जेहेतु आम फ्रिज्रे रखी ता एकदम फ्रेश भी रही है जमा भी खटा लगे एवं चलतु ये मुझे चार पीस ब्रेड मुझे व्हाइट ब्रेड नहीं ब्राउन ब्रेड भी नहीं पारे जदि आप हेल्थ कसस आप निश्चय ब्राउन ब्रेड नहीं पारे मुझे व्हाइट ब्रेड नहीं ब्रेड रईडटा को आम काटिने आपत सैड थी भी बन पारे मुझे सैड काट सब ब्रेड रु आम सैडटा को काटिने यपरिका सैड रखा ब्रेड रो साइड उड़ा को जमा भी फोपाड़े ए साइड उड़ाक आपड़ निश्चय यूज करूँ मैंने सुखी क्रम्स बन दिंतु ना ब्रेड रो हलुआ बनातु बहुत ही टेस्टी लगी था तो युड़ मु रखने भी ब्रेड हलुआ बनवाई आठ देखूँ आमर ब्रेड पीसेस सब रेडी स्लाइस गुड़िक आम सैड काटे ये आम रखी गाजर जोटा कि मुझे कोरी नहीं बंधाकोबी को एकदम छोट छोट आकार काटी एठी मु काकुड़ी को मध्य कोरी नहीं ची काकुड़ी को कोरी सारा पर चिपुड़ी भी देखिए बेस पा अंश ना चिपुड़ी ना आम धनिया पतर आम ये काटी नहीं सैड रखा ये मुझे गोटे जगार नहीं चिली फ्लेक्स आटा नहीं ब्लैक पेपर माने आमर गोलमरीच गुंड एटी आम लुण नहींचे आ सब निजर टेस्ट अनुसार ही पकेबा माने आपण पिलांकर टेस्ट नहीं कि आपण ये सब पनीपरिया भी आप पकई पारे जमीक गाजर जदि आप पिला बेसी गाजर पसंद तेल आप अधिक गाजर पकई पारे ना जदि बेसी गाजर पसंद हो ताले कम पका गाजर तो एमती आप चॉइस अनुसार पकात मुझे ये सब पकईनेली आम चिली फ्लेक्स आउ ब्लैक पेपर एड करवा इस टेस्ट अनुसार ही पकात पिला टेस्ट अनुसार ही आम ये सब पकई पार जदि पे राग खाऊन तेल आए राग अंश बढ़े पारे ये मुझे लुण पकईली बहुत ही हाल्का लुण पकात बेसी लुण पकानी आमर क्रीमी दही बहुत ही टेस्टी लगे बेसी लुण पकईले लुणिया लगे देखो के बढ़िया भाव आम तक मिसेने ले दही रा स्टफिंग एकदम रेडी होगा सैंडविच रा स्टफिंग केते क्रीमी है देखूँ आम यहाँ मायोनीज सहित रिप्लेस करचे माने मायोनीज बदल आम दही को नहीं चाहे दहीटा एंटीबायोटिक बहुत भल देहपी जेहेतु इतर सबुतक पा अंश आम बाहर कर नहींचे से आम दहीटा एकदम क्रीमी हो जाए तेज चलतु ये सैंडविच बनईद सैंडविच बनवाई आम आम ब्रेड रो स्लाइस को नहीं आसवा एबे आमी आमर ब्रेड रो स्लाइस उपरे लगेबा आमर क्रीमी सैंडविच रो स्टफिंग बहुत इजी हे लगे जेहेतु आम पर गुड़ को ग्रेट करने जाए मैंने कोरी नहीं जाए से
ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ରେଡ଼କୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ଏପରିକା ଆର ବ୍ରେଡ଼ର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ୟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ପିଲାମାନେ ସେମିତିରେ ବି ଖାଇଦେବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ୟାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାଜି ପାରିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ବି ପରଷି ପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିଛିଟା ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ୟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼୍ର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ କରିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ୟାକୁ ପ୍ଲେଟିଂରେ ୟୁଜ୍ କରିବି, ମାନେ ଆମର ପ୍ଲେଟିଂରେ ଆମର ସଜେଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ରେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାୱା ଗରମ କରିନେଇଛେ, ତାୱା ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ଏଠି ରଖିନେଲେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ରେ ରଖିବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେବା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନିଯିବ। ୟା ଉପରେ ଆପଣ ବଟର୍ କିମ୍ବା ତେଲକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ଟା ଟିକିଏ ମଏଶ୍ଚର୍ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ବିନା ବଟର୍ରେ କିମ୍ବା ବିନା ତେଲରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ତେଲ କିମ୍ବା ବଟର୍ କିଛି ବି ଦେବିନି, ଆଉ ଆମର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିବ ଆଉ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ବି ହେବ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକିନା ଭାଜୁଛେ, ଚାରିପଟୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ଭାଜନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆମେ ତାକୁ ବୁଲେଇବା ଆଉ ତାକୁ ଭାଜିବା, ଏହିପରିକା ଏମିତି ବୁଲେଇଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଭାଜୁଥିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଲୋରେ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଇପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିବ, ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି ଆମର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ର। ଏ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଏବେ ବି ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଖାଲି ଚାରିପଟୁ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ଆମର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ କାଟିନେବା। ଆମର ହେଲ୍ଦି ଡେଲିସିୟସ୍ ୟମି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ୱାଓ ଏକଦମ କଲରଫୁଲ୍, କ୍ରିମି ଆଉ ଡେଲିସିୟସ୍ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି ଫିନିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ। ୟାକୁ ଆପଣ ବନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ନାକ୍ସ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ହେଇଛି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର? ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦହି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ଲିଙ୍କକୁ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୋରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।